में क्या है कि साइन नंबर जो है, टूज कॉम्प्लीमेंट वैसे आता भी इसमें, साइन नंबर्स में ही पॉजिटिव और वन होगी तो नंबर इज नेगेटिव। द आउटपुट इज ऑल्सो अ साइन नंबर विच इज़ द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। अच्छा अब देखते हैं ज़रा इसमें क्या बात करें। टूज कॉम्प्लीमेंट सोल्यूशन कैन नोट दैट टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ पॉजिटिव साइन नंबर इज नंबर इट सेल्फ, यानी पॉजिटिव साइन नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट वही नंबर होता है, और टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ नेगेटिव साइन नंबर इज वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फिर उसमें एक ऐड कर देंगे। अब इसका ट्रूथ टेबल हम देखते हैं कैसे बनेगा। अब साइन नंबर क्या होते हैं आपके पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चूंकि ये आपके जो है वो 3 बिट से बनेगा ना, फोर्थ बिट आपकी साइन बिट होगी, तो 3 बिट्स जो है कहाँ तक जाएगा कि फर्दर पेज पे है ये। अच्छा अब इसमें आप देखें कि आपकी जो आउटपुट कैसे बन रही है। अब इसमें जब 0 से 7 तक हैं, आप देखें 0 से 7 तक आपकी आउटपुट सेम आ रही है जो आपकी इनपुट है। तो 0 से 7 तक अगर आप नोट करें कि आपकी आउटपुट सेम है जो आपकी इनपुट्स है उसके बिल्कुल सेम आ रही है, लेकिन 7 के बाद जो -8 से लेके -1 तक की जो आपकी साइन नंबर्स हैं उन पे आपकी जो आउटपुट होगी वो टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होगी। टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में कैसे होगी, जैसे अब -8 है, ठीक है, अब -8 पे आपकी जो कॉम्बिनेशन बन रही है वो 1000, तो इसका आप टूज कॉम्प्लीमेंट लें, तो टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसमें क्या होगा, पहले 1 1 1 ऐड, इसको इन्वर्ट करें तो ये क्या बन जाएगा, 0 1 1 1। अब इसमें एक फर्दर आगे ऐड करें तो वो क्या बन जाएगा, 1 1 0, ठीक है, 1 1 1 0, तो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट 1 चला जाएगा वो उसमें ऐड होगा, फिर 0 1 हो जाएगा आपके लिए। अब जैसे ये आपके पास -8 था तो ये क्या था, 1000। अब इसका मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट लूँगा सबसे पहले मैं क्या लूँगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो ये बन जाएगा 0 1 1 1, आपने बिट्स को इन्वर्ट कर दिया। अच्छा अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक ऐड कर दें, यहाँ पे एक ऐड करेंगे। अब एडिशन करें, 1 + 1 इज 0 1, 0 आ गया, 1 आगे चला गया, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 + 1 इज अगेन 0 1, तो यहाँ पे फिर 0 आ गया, आगे 1 चला गया, तो 1 + 1 इज अगेन 0 1, तो 0 आ गया, ठीक है, और 1 आगे चला गया, तो 1 + 0 इज 1, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो 1000, यानी 1000 का अगर आप टूज कॉम्प्लीमेंट लें तो वो भी 1000 ही आ रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1000 का टूज कॉम्प्लीमेंट भी 1000 आ रहा है। अच्छा अब -7 का अगर हम लें टूज कॉम्प्लीमेंट तो ये 1001, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट 0110, तो इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा 0111, तो ये आपके पास आ जाएगा 0111। तो इस तरह से आपने टूज कॉम्प्लीमेंट सारे ले लेने, -8 का, -7 का, -6 का, पहले बिट्स को इन्वर्ट करें, वंस कॉम्प्लीमेंट लें और फिर उसके बाद उसमें एक ऐड कर दें। तो इसके और भी बहुत सारे मेथड मैंने प्रीवियस आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक मेथड है जो कि आगे हम फर्दर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में भी यूज़ करेंगे, जिसमें हम बिट्स को इन्वर्ट करेंगे और उसमें एक फर्दर ऐड करेंगे। अच्छा तो इसका अब हमारे पास आउटपुट्स आ गई हैं WXYZ। अब इसके आप जो है वो सॉफ्टवेयर से या मैन्युअली आप जो है ड्रॉ करके इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, A बार AB बार C बार D बार W की, इसी तरह X की और Y की और Z की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को आप इम्प्लीमेंट करें तो ये आपकी जो है इम्प्लीमेंटेड इक्वेशन जो है आपके पास आ जाएगी, इन टर्म्स ऑफ एंड गेट और गेट, इन टर्म्स ऑफ गेट्स। तो ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन का मेथड जो है हमने इस लेक्चर के अंदर सीखा है कि हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को किस तरह से डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट कैटेगरी इसकी जो है सिक्वेंशियल सर्किट्स है, उस पर अभी नहीं हम जाएंगे, अभी पहले हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो डिकोडर्स जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को देखेंगे, इसके अलावा डिकोडर्स, आपके इनकोडर्स और मल्टीप्लेक्सर्स, ये सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, यानी जिसमें आप जस्ट इनपुट देते हैं एंड यू गेट द आउटपुट। दैट इज़ अ मेथड वी विल फॉर